उसमें हम लोगों ने सब्सट्रक्शन नहीं करना था मिस? नहीं, उसकी सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है आपके कोर्स में, जस्ट बीसीडी है, एडिशन भी ज्यादा ही हो गया, अब कोर्स का पार्ट नहीं है सब्ट्रैक्शन। ठीक है मिस। आज बेसिक गेट्स करेंगे और इनके फंक्शंस, ठीक है। बेसिक गेट्स हमारे पास वैसे तो 3 है, लेकिन उनको और ज्यादा हमने करके ओवरऑल, मतलब हमारे पास जो गेट्स है वो 7 है, ठीक है, जिसमें एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। अब इन गेट्स का पता है आपको, हमें क्या करना होता है इसमें, फंक्शन इसके ऑलरेडी किस तरह से फंक्शन करता है, हमें उसको नहीं बताना कि किस तरह से करता है, ये ऑलरेडी फैब्रिकेटेड है गेट्स, ठीक है। और इन्हीं को ही जो बेसिक गेट्स हैं आपके पास, एंड और नॉट, इन तीनों गेट्स से बाकी गेट्स को जो है फैब्रिकेट किया गया है। और उनको किस तरह से, अब इनका क्या क्या देखना है हमने, कि ट्रुथ टेबल जो है इनका वो किसके इक्वल है, और उसको याद रखना है आपने, उसको भूलना नहीं है। इसका मेन काम सारा ट्रुथ टेबल पर है, और इसका सिंबल जो होगा वो होगा, ये दो चीज़ें हैं सारी गेट्स में, ठीक है, सिंबल और ट्रुथ टेबल आपने याद रखना है। ट्रुथ टेबल का यही है कि फंक्शन किस तरह से कर रहा है आपके बिट्स को लेके। तो सबसे पहले इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन है कि भाई ये जो गेट्स हैं ये तो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है, पावर रिक्वायर्ड है इसमें लाजमी, जब तक हम पावर नहीं देंगे सप्लाई तब तक वो काम नहीं करेगा। तो पावर इसमें हम कितना इनपुट देते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट जो है हम इसको वोल्ट देते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो चिप बहुत छोटी सी होती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लाइक आपके मोबाइल पे भी अगर लगा हुआ है या कहीं इस तरह के डिवाइसेस में, तो उसमें वोल्टेज हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आपके पास इस तरह के गैजेट्स हैं उसमें हम ज़्यादा वोल्टेज नहीं सप्लाई करते, क्योंकि वो उससे मेल्ट हो सकता है, और मेल्ट होके वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, ख़राब हो सकता है वो आपका जी। नहीं, हम एसी सप्लाई दे रहे होते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीसी पे हो। आपके पास जो लैब में ट्रेनर लगा हुआ है वो आपका डीसी पे तो नहीं काम कर रहा, वो तो एसी पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों पे ही चलता है, एसी हो चाहे डीसी हो, आपके पास चलता दोनों पर है, बट वोल्टेज जो है हम इतना ही देते हैं इसको, ठीक है, 0 वोल्ट टू 5, ठीक है। तो लॉजिक इसमें रिप्रेजेंट यही कर रहा है, मीन आपके पास जो जीरो होगा वो आपके पास जीरो ही देगा आपको, ऑफ कोर्स, क्योंकि वोल्टेज जीरो है। और 5 वोल्ट जब आप दोगे तो वो आपको क्या देगा, लॉजिक 1, मीन वो हाई पे दे देगा आपको, ठीक है, सही है। तो वही बाइनरी नंबर्स में ही इसको हम ले रहे हैं, ऑफ एंड ऑन की तरह, ऑफ होगा तो 0, ऑन होगा तो 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आउटपुट्स भी हैं, आपके आउटपुट्स में भी आपको वो इसी तरह से ही वोल्टेज के फॉर्म में देगा, 0 एंड 1, 0 एंड 1 की फॉर्म में, मीन 0 वोल्ट टू 5, 2 नहीं 0 देगा, या 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, ठीक है। 5 हम हाई के लिए देते हैं, 0 हम लो के लिए देते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट इसी फॉर्म में ही देता है, जो कि 0 एंड 1 को शो कर रहा होता है वहाँ पे गेट्स पे। कुछ केसेस स्पेशल होते हैं, वो फिर अलग सी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ट्रुथ टेबल्स पे। हमारे पास लॉजिक गेट्स में, अब ट्रुथ टेबल हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ये हेल्प करता है आपके फंक्शंस को, कौन सा गेट कैसे फंक्शन कर रहा है। मीन अगर मैं सिर्फ ट्रुथ टेबल भी दे दूँ आपको, आपको पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल किस गेट का है, ठीक है, कौन सा गेट इस तरह से फंक्शन करता है। अगर मैं 0 0 दूँ तो वो 0 दे, और अगर 1 1 दूँ वो हाई पर ही दे मुझे, तो वो कौन सा गेट होगा, ठीक है। तो वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसका फंक्शन कौन सा गेट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये ट्रुथ टेबल।
पहले से है, इसको याद रखना है आपने, मेमोराइज करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एंड गेट, एंड गेट आप देख रहे हो, एंड गेट का जो सिंबल है वो यही है, सिंपल, ठीक है। इसमें हम सिवरल इनपुट्स, टू और मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू भी आप दे सकते हो इनपुट्स, बट यहाँ पे स्टार्ट है, बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं तो इसलिए जस्ट टू से ही स्टार्ट ले रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा इनपुट आप दे सकते हो, सही, बट आउटपुट आपका हमेशा इसमें क्या होगा, वन होगा, आउटपुट वन रहेगा, इनपुट आप दो या दो से ज़्यादा दे सकते हो। तो इसकी क्या, जब आप इनपुट, इसका काम क्या है, ये मल्टीप्लाई करता है आपके, ठीक है, जितने भी इनपुट्स होंगे जब आप देंगे तो उनको वो मल्टीप्लाई करता है। तो जब मल्टीप्लाई करेगा, लाइक ज़ीरो को ज़ीरो के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी जो आपके पास आएगा यहाँ पे, जैसे ट्रुथ टेबल में आपके बना हुआ है, ए बी और एंड में ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो इनपुट आप दोगे तो आपको वो ज़ीरो ही देगा, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो देगा, ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ज़ीरो आएगा, वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ज़ीरो आएगा, और वन को वन से करोगे देन वन आएगा। तो इट्स मीन जब आपके पास सारे इनपुट्स वन होंगे तब सिर्फ आपके पास वन आएगा, बाकी सब में अगर ज़ीरो कहीं पर भी आ गया वो आपके सारे आउटपुट्स को ज़ीरो कर देगा, ठीक है। ये था हमारे पास एंड गेट का ऑपरेशन, कि एंड गेट कैसे ऑपरेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास और गेट, ठीक है। और गेट क्या करता है, और गेट आपके आपका एडिशन करता है, ऐड कर देता है इनपुट्स को, ठीक है। इसमें भी आप दो या दो से ज़्यादा इनपुट दे सकते हो, इवन एक भी दे सकते हो, कभी कभी एक भी लेते हैं कुछ लोग, एक इनपुट एंड में भी ले सकते हो और भी, ठीक है ना, बट मैक्सिमम टाइम जो स्टैंडर्ड वो है तो उसमें हम दो ही, दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं अक्सर। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि और गेट में हम ऐड करते हैं, अब एडिशन करेंगे, जैसे ए अगर हमने ज़ीरो दे दिया, बी हमने ज़ीरो दे दिया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आपके पास आउटपुट देगा ज़ीरो, ए ज़ीरो दिया, बी वन दिया, तो ज़ीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन, वन प्लस ज़ीरो वन, एंड वन प्लस वन वन, ठीक है। तो एडिशन तो आपको आती है, सिंपल एडिशन है ये, तो यहाँ पे जस्ट पहला जो होगा वो ज़ीरो होगा, जब हम ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करेंगे, उसके अलावा बाकी कहीं पर भी आप वन ऐड कर रहे होगे तो वो आपके पास वन देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर कोई रेज करेगा कि भाई नीचे दो वन है उनको, उसको टू होना चाहिए, ये टू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हम जो है सर्किट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो आपको काउंटिंग टू नहीं देगा, वो जस्ट हाई या लो देगा। हाई या लो मीन, हाई मीन वन एंड लो मीन ज़ीरो, मीन आपके पास वन वन हाई पे जाएगा, मीन वन देगा वो आपको ऐड करके, और ज़ीरो ज़ीरो आपको वो ऑफ देगा, मीन लो पे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एडिशन नहीं हो रही कि वन प्लस वन टू हो जाएंगे या वन प्लस वन थ्री हो जाएंगे, नहीं, जितने भी वंस यहाँ पे आप ऐड करोगे, जितने भी आउटपुट्स ऐड करोगे, इवन चार पाँच छः जितने भी, सब पे वन डालोगे तो वो आपको हाई ही देगा, मीन आपको वो लाइट ऑन देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद है नॉट गेट। नॉट गेट का तो काम आपको पता है, नॉट गेट हमारे पास इन्वर्टर है, क्या करता है आपकी, जो आप इनपुट, एक ही इनपुट इसका होगा, एक ही आउटपुट है, ठीक है। ये एक, ये वो गेट है जिसमें हम इनपुट भी एक ही देते हैं, एक से ज़्यादा नहीं देते, और आउटपुट भी एक ही देते हैं, क्योंकि ये इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो इनपुट दोगे वो उसका इन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा, सही। तो इसमें हमने अगर ए ए दिया और सेकेंड होगा ए बार, मीन उसका इन्वर्ट, ए बार आपके शो कर रहा है उसकी इन्वर्ट फॉर्म को। तो ए आपने अगर ज़ीरो दे दिया तो ए इन्वर्स जो है आपका वन हो जाएगा, ए बार वन दे दिया तो वो आपको दे देगा ज़ीरो, सही। इसी तरह से अब यहाँ पे नॉट गेट को आप देख रहे हो, नेक्स्ट है हमारे पास नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ
नॉट एंड एंड गेट, ठीक है। एंड गेट के सामने अगर हम इस तरह से कोई भी बबल लगा दें, ये बबल जो है वो शो करता है आपके नॉट गेट को। आप देख रहे हो यहाँ पे नॉट गेट के सामने बबल लगा हुआ है, तो इसको हम बबल कहते हैं। ये बबल जो है आपके शो करता है हमेशा नॉट को, मीन वो उसको इन्वर्ट करता है। इट्स मीन नैंड गेट में एक्चुअली आप इसको कैसे बना सकते हो अलग से भी, इसका इस तरह से एक ही चिप भी फैब्रिकेटेड आता है, ठीक है, एक ही गेट आता है। और अगर आप इसको नॉट और एंड को मिला के बनाना चाहते हो तब भी आप बना सकते हो। मीन पहले आप एंड लगा लो और उसके सामने फिर नॉट लगा लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एंड का जो रिजल्ट आएगा, जितने रिजल्ट्स एंड के होंगे जो आप ऊपर देख रहे हो, आप ऊपर चेक कर सकते हो, वो रिजल्ट क्या हो जाता है, इन्वर्टर के सामने जाके इन्वर्टर क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट करता जाएगा, मीन उसका उलट कर देगा उसको। तो नैंड गेट जो है एंड गेट का, आपको इसका जो ट्रुथ टेबल है वो उसका उलट मिलेगा, ठीक है, एंड गेट का ऑपोजिट, मीन उसको इन्वर्ट करके देगा वो। लाइक हमने एंड गेट में क्या किया था, मल्टीप्लाई करना था, जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा हमें, जीरो देगा। और सामने हमने नॉट गेट लगाया तो जीरो से वो कर देगा उसको वन, ठीक है। तो इसलिए इसको ए बी बार दे दिया है हमने, ए बी का जो रिजल्ट आएगा उसको हमने इन्वर्ट कर देना है। इसी तरह जीरो वन को मल्टीप्लाई किया था तो हमें जीरो दे रहा था, इन्वर्ट हुआ तो वन दिया इसने, वन जीरो को किया अगेन जीरो दे रहा था तो वन दिया, बट वन वन को जब हमने किया था मल्टीप्लाई था वन दे रहा था, बट यहाँ इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट हो जाएगा, नॉट गेट लगा हुआ है सामने तो वो उसको इन्वर्ट करके जीरो कर देगा। अब है नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, ये कॉम्बिनेशन है आपके पास और का और नॉट का, ठीक है। इन गेट्स को हम जो है जो कॉम्बिनेशन गेट्स में आते हैं अभी जो बेसिक के बाद से, इनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसको यूनिवर्सल, इनको रिप्रेजेंट भी करते हैं एज ए यूनिवर्सल गेट्स भी, इनको कुछ लोग बुलाते हैं कि भाई यूनिवर्सल गेट्स हैं ये। अब इस कहाँ पे यूज़ होंगे यूनिवर्सल गेट्स, वो सर्किट्स में यूज़ होते हैं, बाकी आगे हम जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सर्किट्स में तब आप जानोगे कि क्यों कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे नॉर गेट, नॉर गेट में जी जी नैंड गेट जी नैंड गेट अच्छा जी। नॉर में हम क्या करते हैं, सेम उसी तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन है नॉर एंड नॉट एंड और का, ठीक है। इसमें हम जो एन है नॉर जो शो कर रहा है, नॉर का एन शो कर रहा है आपके पास नॉट को और आपके और गेट को ही शो कर रहा है, मीन आपने कंबाइन कर दिया नॉट एंड और को, ठीक है। तो पहले तो वही और का ही सिंबल लगेगा आपके, उसके सामने आपने बबल लगा दिया, ठीक है। सिंपल आप इसका सर्किट भी बना सकते हो, बबल नहीं लगाना तो आप सिंपल इसके सामने नॉट गेट भी लगा सकते हो, बट ये तो इसका अपना सिंबल है, वो फिर सर्किट में चला जाएगा। अगर आप अलग अलग लगाओगे वो सर्किट कहलाएगा इसका, बट नॉर का अपना सिंबल यही होगा, जहाँ पे आपके पास और गेट होगा और उसके सामने बबल लगा होगा फ्रंट पे, तो उसको हम नॉर गेट कहेंगे। ये क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा आपके जो आपके पास पीछे हमने और का पढ़ा बेसिक गेट में, उसको इन्वर्ट कर देगा। मीन आपने वहाँ पे जीरो प्लस जीरो किया था तो आपको जीरो मिला था, तो उसको इन्वर्ट कर दिया, उसने हमें वन दे दिया, अगेन जीरो प्लस वन वन देगा आपको, उसको इन्वर्ट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन देगा, इन्वर्ट करेंगे जीरो दे देगा, वन प्लस वन आपको वन देता है, अगेन इन्वर्ट करेंगे तो जीरो देगा। तो इस तरह से इसके जो है आउटपुट्स आपके पास आ जाएंगे।
अब आती है एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और में जो है कॉम्बिनेशन की मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम कॉम्बिनेशन नहीं लेते, बट इसका अपना ही फंक्शन है एक्सक्लूसिव और का, जब हम इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इसको याद रखना है, आप देख रहे हो कि प्लस पे जो है तो और, जब और की बात आ गई, इट्स मीन और गेट का ऑपरेशन तो है, मीन आपके पास आ गया प्लस साइन, ठीक है। जब ई लग जाए इसके साथ तो वहां पे आपने ये सर्कल साइन एंड सर्कल हो जाएगा, ऐड कर देना इस तरह से, ठीक है, ये साइन ऐड हो जाएगा, प्लस जो है आपका सर्कल में होगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा ये एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और का फंक्शन सिर्फ इतना है कि जब भी आप दोनों लो दोगे या दोनों हाई दोगे, ठीक है ना, दोनों इनपुट आपके पास एक जैसे सेम होंगे तो वो आपको लो पे देगा, ठीक है। और जब इनपुट्स आपके पास ऑपोजिट होंगे, मीन 0 1 या 1 0, तो वो आपको हाई देगा, ठीक है, क्लियर है। मीन आपने बस इतना याद रखना है, एक्सक्लूसिव और में इनपुट्स अगर आप सेम दोगे तो वो आपको 0 देगा, मीन ऑफ देगा, चाहे 0 0 हो 1 1 हो, दोनों में आपको लो पे देगा। बट अगर आप इनपुट्स ऑपोजिट दोगे तब आपको वो हाई पे देगा, मीन 1 1 देगा, ठीक है। इसी तरह से वो एक्सक्लूसिव और था, अब यहाँ पे नॉर लग गया, अगेन क्या हुआ, वही एक्सक्लूसिव और के सामने अगर हम इन्वर्टर लगा दें, ठीक है, एक्सक्लूसिव और के सामने जब हम इन्वर्टर लगा दें तो वो हमें एक्सक्लूसिव नॉर दे देता है, मीन जो ऊपर का जो फंक्शन था एक्सक्लूसिव और का, उसका उलट ये देगा आपको, ठीक है। तो इसमें जस्ट बार लग जाएगा, बाकी सब सेम है, बार लग जाएगा यहाँ पे और सिंबल में बबल लग जाएगा आपके पास, तो वही बात है। अब इसमें क्या होगा, अगर सेम इनपुट्स हैं तो वो आपको हाई देगा, अगर ऑपोजिट इनपुट्स हैं वो आपको लो दे देगा। बस इसको इस तरह से याद रख सकते हो आप सिंपल इजीली, कि सेम इनपुट्स होंगे तो वो हाई देगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव और का उलट है ये। इन दोनों में से किसी एक को भी याद रखोगे तो इसको उलट करके आप याद रख सकते हो कि भाई एक्सक्लूसिव नॉर इसका उलट ही है, इन्वर्टर लगाया उसमें, इसके आउटपुट्स याद रखो तो इसके आउटपुट्स आपके पास आपको खुद याद हो जाएंगे कि इसमें जो है सेम हाई देगा और ऑपोजिट लो देगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात मेरी, एनी क्वेश्चन? नो मिस। जस्ट मुझे 2 मिनट दो, मैं पेन लेकर आती हूँ, ठीक है।
शाजुर मैम किधर गए अभी? नहीं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं गई। अच्छा जी, गेट समझ आ गई आपको? सबको क्लियर है गेट्स? अच्छा, अब इसी तरह से हम दो इनपुट्स पे तो हमने काम कर लिया, अब मैं तीन इनपुट्स दूंगी, आप मुझे बताओ इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, या चार इनपुट्स दूंगी, ठीक है? शेयर नहीं हुआ, मैंने तो शेयर किया था। अब हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है? यस मैम, हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। एंड गेट का तो आपको, अब अगर मैं इनपुट तीन दे दूं, एक्सक्यूज जी मी मिस, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहे हैं। ये कोई मिटा रहा है या खुद मिट रहा है? शायद कोई मिटा रहा है। मैं कौन है ये?
अलाउ नहीं करती तो आप नहीं देखोगे, मैं अलाउ कर रही हूँ तभी आपको दिख रहा है। दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन अब दिख रहा है अभी भी? यस चलो ठीक है, अब करके दिखाओ जरा एडिट तुमने। चलिए ये आपके पास है एंड गेट, तीन इनपुट देंगे तो आउटपुट पे आपको क्या देगा, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा इसका, सेम आपके पास उसी तरह से इनपुट आउटपुट्स होंगे। ये होगा आपके पास इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, इनपुट में आपके पास ए बी एंड सी, ए बी सी हो जाएगा, ये सेपरेट कर देंगे। अब इनपुट अगर मैं तीनों जीरो दूंगी तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? जीरो ही देगा। ठीक है, इनपुट अगर मैं जीरो वन एंड जीरो, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, जीरो जीरो एंड वन, ये भी आपको जीरो देगा। अगेन सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल जीरो दे दिया हमने, हाँ यहाँ पे वन आना है, इसमें वन देती हूँ, यहाँ दोनों जीरो दे देती हूँ तब वो आपको जीरो देगा। ठीक है, इसी तरह से आपने जितने भी इनपुट्स आप दोगे सब में वो क्या ऑपरेट करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जहाँ पे जीरो आ गया एक बार सब कुछ जीरो कर देगा वो। बट अगर मैं तीनों में वन दूंगी तो वो क्या दे देगा आपको, वन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है हम कोई बुलियन एक्सप्रेशन लेके इम्प्लीमेंट कर देते हैं, स्टार्ट करना। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन लाइक आपको बुलियन का पता है कि हमारे पास सिंपल, अगर सबसे पहले मैं लूँ कम्यूटेटिव लॉ तो उसमें क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, या फिर कह सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये लॉ ठीक है, इसी के इक्वल है ना अलजेब्रा? यस मैम। ठीक, अब यहाँ पे हम इसी तरह से गेट्स को यूज करते हुए आप इसके फंक्शन मीन आप ट्रुथ टेबल निकाल के इन दोनों को इक्वल ला सकते हो, कम्यूटेटिव लॉ को इस तरह से। ठीक है ना, मीन आपने इसी तरह से गेट्स लेने हैं, इनपुट्स लगाने हैं, ए बी ऊपर नीचे करके। लाइक इसमें क्या होगा, आपने लगाया और गेट, ऊपर ए है नीचे बी है, आपके पास ए प्लस देगा वो, और इक्वल टू किसके आएगा, अगेन आप यहीं पे ही इनपुट ऊपर बी दो नीचे ए दो तब भी आपको आंसर क्या देगा, वो सेम ही देगा। तो इट्स मीन हम इस तरह से गेट्स में भी आप इन लॉस को लेके प्रूव कर सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ हो गया, इसके बाद आता है आपके पास लाइक एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता था, ए प्लस बी। एसोसिएटिव लॉ क्या है, कुछ याद है? यस मैम, ए प्लस बी फिर वो सी से प्लस होगा इक्वल्स टू ए पहले आएगा फिर प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आएगा। ए प्लस बी प्लस, अब ये ब्रैकेट में आएगा कि नहीं आएगा? ए प्लस बी ब्रैकेट में आएगा, सी नहीं आएगा। सी प्लस सी प्लस सी देन इक्वल्स टू ए ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट सही बी प्लस सी ब्रैकेट बंद। चलो अब इसका सर्किट बना के देखो कि ट्रुथ टेबल सेम आ रहा है इसका। ठीक है, याद रखना मैथ्स में हमेशा हम क्या करते हैं, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। मीन आपको पहले आंसर निकालना है ए प्लस बी का, जो आंसर होगा इसका देन मीन वो एक इनपुट आ जाएगा आपके पास, तब आउटपुट पे तब आप इसको आगे सी के साथ कर सकोगे। तो सर्किट कैसे बनेगी इसकी, पहले एक दफा सर्किट भी देख लो। सर्किट में देखो हमारे पास अब यहाँ पे प्लस दो है, तो इट्स मीन गेट्स कितने होंगे, और गेट और गेट कितने होंगे इसमें, एक या दो? दो गेट्स होंगे मैं। दो होंगे ठीक है ना। तो इसमें देखो आपके पास ब्रैकेट आ गया, प्लस दो है। जब ब्रैकेट आ जाए तो आप क्या करते हो, अब लाइक सर्किट बनाएंगे तो होगा क्या, ये होगा दो इनपुट आ गए आपके पास ए बी, इसने आपको दिया ए प्लस बी। अगेन फिर से आपके पास क्या आ गया, प्लस सी, एक और गेट लगेगा, और का ऑपरेशन और हो रहा है, आप साथ में यहाँ पे सी लगाओगे। मीन एक इनपुट आपका ए प्लस बी का जो आंसर होगा वो होगा, और सेकेंड इनपुट आपका सी होगा, तो वो आपको इक्वल देगा इसके। ठीक है, इसी तरह से सर्किट यहाँ पे भी आपके पास यही है। आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना है। तो सर्किट में भी इसी तरह से आपने पहले ब्रैकेट लेना है B, C, B plus C, then यहाँ पे आप इसको दे सकते हो A, जो कि इक्वल आएगा आपके इसके। ठीक है, तो इस तरह से सर्किट्स की इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है कि कैसे इनपुट देना है, कैसे आउटपुट निकालना है इसका। सही, अब ट्रुथ टेबल का मुझे बताओ। मैम इस सर्किट के एट पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक, एट पॉसिबल वैल्यूज है। और एक और चीज मैं बताऊं आपको, कि सिंपल हम इजीली जब ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसमें भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पावर टू की पावर देखते हैं। टू की पावर देखते हुए अगर आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, लाइक आपके पास अगर टू इनपुट्स हैं
ठीक है, टू इनपुट्स मीन टू की पावर टू, सही। तो टू की पावर टू जब हम लेते हैं तो किसकी इक्वल आता है, फोर के, ठीक है ना, फोर के इक्वल आता है। और हमने क्या किया, टू में किया इसको, ये टू है, तो टू टेबल क्या आता है हमेशा, इट्स मीन दो बार जीरो होंगे उसमें, दो बार वंस होंगे फर्स्ट उसमें, ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपने, ठीक है। मेन आपके पास ये जैसे कि ए है, ये बी है, आ जाएगी समझ, एक सेकंड। मैंने कहा अगर दो इनपुट लेते हैं हम, ठीक है, दो इनपुट आपके पास ये शो कर रहा है टू की पावर, ठीक है, इसमें भी हम टू की पावर पे ही काम करते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक। तो इस वजह से बेस तो आपका टू ही रहेगा, ये आपका बेस ही है, ठीक है। ऊपर का जो पावर टू है वो आपको क्या शो कर रहा है, आपका आपके इनपुट शो कर रहा है वो, ठीक। तो मीन आपने बाइनरी में जब दो इनपुट्स ऊपर दिए वो इक्वल किसके आएगा, आपको कितने इनपुट मिल रहे हैं, मीन आपने पॉसिबल जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो फोर फोर होंगी दोनों में, ठीक है, मीन ए में भी फोर होंगी, बी में भी फोर होंगी, सही। मीन आपके पास लाइक जीरो जीरो दो बार एंड वन वन दो बार लेना है, ठीक है, जीरो जीरो वन वन, देखो दो बार आया, ये भी दो बार आया, ये भी दो बार आ गया। अगेन जब जीरो जीरो वन वन हो गया, अब नेक्स्ट बी में क्या होगा, अब यहाँ पे दो दो की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू को हम हमेशा मतलब वो फिर उसका हाफ हो जाएगा, मीन जीरो वन जीरो वन, मीन यहाँ पे दो बार हुआ, यहाँ पे एक बार होगा बी में फिर, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल वैल्यूज देखो चेंज हो गए आपके पास, वैल्यूज हमने फोर टाइम्स ही चारों चार ही बार इसके आए, टू की पावर टू मीन फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। बट ए में आप क्या करोगे, डबल जीरो लगाओगे, डबल वन, ठीक है, मीन टू पर ही जाओगे। नेक्स्ट बी में वैल्यू क्योंकि हमें चेंज भी चाहिए वैल्यूज, तो उसी टू को समझ लो आप टू पे ही डिवाइड करके, तो आपको कितनी वैल्यू मीन वन वैल्यू पे आप चेंज कर सकते हो उसको, मीन जीरो वन जीरो वन, क्लियर। इसी तरह अगर टू की पावर, अब लाइक मैंने तीन यहाँ पे इनपुट दिए थे तो टू की पावर थ्री हो जाएगी, तो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास जो वैल्यूज हमने देनी है वो एट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एट हो जाएंगे, अब ट्रुथ टेबल में एट को कैसे आप लोगे, ए बी सी में, ये समझ लो आपके पास ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो अब देखो ए में एट है, एट को अगर मैं टू पे डिवाइड करती हूँ मीन फोर आ जाते हैं, ठीक है, तो मीन फोर टाइम्स जीरोज आ जाएंगी पहले एंड फोर टाइम्स वन, फोर टाइम्स वन आ जाएंगे, ठीक है, वन वन एंड वन। इसी तरह नेक्स्ट में यहाँ पे फोर फोर हुए, अब फोर का हाफ क्या हो जाएगा, हाफ लेते जाएंगे हम इसका, ठीक है, फोर का हाफ मीन टू हो जाएंगे। नेक्स्ट में जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, ठीक है। सी में अगेन हम इसको भी बी का भी हाफ कर देंगे, तो जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यूज को इजीली ट्रुथ टेबल में खुद ही पुट करके देन आप इनके आंसर्स ले सकते हो आसानी से, ठीक है। तो हमें अब पहले क्या चाहिए था, ए प्लस बी, ए प्लस बी के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा आपका, मीन आप पुट करोगे ए बी, नेक्स्ट इसके क्या आएगा, ए प्लस बी
ठीक है, ए प्लस बी आ गया आपके पास जब, देन यहाँ पे आप सी लगाओगे और आउटपुट जो होगा वो आपका टोटल आएगा, क्योंकि आउटपुट आपने पूरा लिखना है, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। सही, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन सी के साथ। मीन ए क्या था हमारे पास, ये आपके पास लाइक मैंने यही कहा। अब इसमें देखो इनपुट्स अभी फिलहाल दो की जरूरत है हमें, यहाँ पे तीन इनपुट्स नहीं चाहिए हमें, वो मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था कि आप इजीली फौरन से करके इजीली कर लो अपना रूटीन। बट यहाँ पे हमने वैल्यूज तो हमारे पास, मैं यहाँ पे भी फिलहाल एट पॉसिबल नहीं कहूँगी, क्योंकि हमने पहले निकालना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में हमारे पास जस्ट दो इनपुट है, तो एट पॉसिबिलिटीज तो नहीं है इसकी, फोर पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, ठीक है, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। तो जब आपके पास ये आंसर आ गया, ये आपके पास इनपुट आया, मीन आपके पास ये चीज आ गई आउटपुट की। ठीक है, अब ये चीज ऐड करनी है हमने। अब ये एक इनपुट तो ये आ गया हमारे पास, अब दूसरा इनपुट सेकंड का ये है, मीन आपके पास अब सी में आपने पुट करने हैं पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, जो आपके पास इसका आंसर होगा ए प्लस बी का, वो आपने पुट करने हैं सी में। सही, तो जीरो प्लस जीरो, आपको देगा क्या जीरो, वन प्लस जीरो वन, आपको देगा वन, क्योंकि एडिशन है। सही, और वन प्लस वन क्या देगा आपको, वन वन देगा। सही जी मैम, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिलहाल हमारे पास इतनी ही वैल्यूज, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, वैल्यूज में जरूरी नहीं है अब, लाइक इसमें जो हमने पॉसिबल वैल्यूज थी वो तो लगा ली, इससे ज्यादा की हमें जरूरत भी नहीं है। तो इट्स मीन आपके पास नेक्स्ट में भी यही चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मीन आपको वो और गेट का ऑपरेशन करके देगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी मैम पॉसिबल वैल्यूज जो फाइनल है यू, तीन होंगे फिर, नहीं आप तीन नहीं कह सकते। मीन आपके पास, मैंने क्या किया, मैं सर्किट को आपके डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है ना, सर्किट को डिफाइन कर रही हूँ। सर्किट में हमने क्या किया था, हमने जो गेट्स यूज किए थे, मैंने कहा जब ब्रैकेट हम पहले सॉल्व कर लें, सर्किट क्या था हमारे पास, ये सर्किट है हमारे पास। ठीक है, जी मैम, ठीक, सर्किट ये है। हम डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट करके, जैसे कि हम ऑपरेशन करते हैं अपना, ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। एक एक ही जगह अगर मैं जीरो जीरो दे दूँ, बी पे भी जीरो दे दूँ, तो ऐड होके मुझे क्या देगा, वो जीरो दे देगा। ठीक है, सी की वैल्यू भी अगर मैं जीरो दे दूँ तो यहाँ पे वो मुझे जीरो दे देगा। सही मैम, सही, ठीक है जी मैम। तो इस तरह से ऑपरेशन, अब इसमें हम ये नहीं देख रहे कि पॉसिबिलिटीज क्या है, हम ऑपरेशन देख रहे हैं कि हम कैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन तो हमें और का पता है, सही, कि वो किस तरह से करना है उसको। सही है, तो इस तरह से हम, जब आप इसको, मैंने आपको कहा था कि लैब के लिए वर्क बेंच, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच डाउनलोड कर लूँ, आप लोगों ने कर लिया वो,
नो मैम अभी तक नहीं किया है। वर्कबेंच डाउनलोड करो, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो बहुत इजी है, उसमें ये सारे गेट्स हैं, ठीक है? उनको आप सिंपली गेट्स को इसी तरह से उस पर सर्किट बना के, वो मैं सिखाऊंगी जब आप डाउनलोड कर लो एक दफ़ा उसको, सभी डाउनलोड करो ताकि हम कम से कम अगर हार्ड में नहीं कर सक रहे तो सॉफ्ट में कुछ कर लें। तो उसमें प्रोटीज मतलब मैं चाह रही हूँ सब एक ही कर लो ना, क्योंकि अब मैं कुछ और उस पे करूंगी फिर आप प्रोटीज पे करोगे, सब कंफ्यूजन आपको ही फिर ना हो ना, एक ही सॉफ्टवेयर लो। अगर आप प्रोटीज पे ठीक हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप प्रोटीज पे कर लो। अगर किसी को प्रोटीज पे करना है तो प्रोटीज पे कर लो, बट वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच आपका बेसिक जो है सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी चीजें हैं और इजीली उसमें प्रोटीएस से ज़्यादा इजीली आप उसको कर सकते हो, तो इसलिए मैंने वो रिकमेंड किया था। बाकी आप प्रोटीएस पे करना चाह रहे हो उस पर भी इजी है, ये बहुत आसान सर्किट्स है। इसी तरह से आप उसमें गेट्स को लेते हुए अपना सर्किट लगा सकते हो और हाई लो देते हुए, पिन ऑन ऑफ देते हुए आप आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो हमने हमें यहाँ पे जस्ट आउटपुट चाहिए के पॉसिबिलिटीज, मीन पॉसिबिलिटीज नहीं है, मीन फंक्शन, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑपरेशन हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमने सिर्फ वो देखना होता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? सर्किट समझ आ रही है किस तरह से बनती है सर्किट्स, बेसिक सर्किट्स, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद आपने करना है क्या, ये एसोसिएटिव एडिशन में था, आपने प्रैक्टिस में इसकी मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, ठीक है? मीन आपने जब मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ का, एसोसिएटिव लॉ पता है ना किसकी इक्वल है, जब हम उसको, अब दोनों में ये एडिशन में भी होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, तो किस तरह से उसको भी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कौन से गेट्स यूज होंगे वो आपने करना है, ठीक है? उसके बाद उसका कौन सा सर्किट लॉ भी इसी रहेगा? तरह बनेगा मैम। हाँ हाँ बिल्कुल इस तरह, उसमें देखो दो बार हम इसमें हम और गेट दो यूज कर रहे हैं तो उसमें जी क्या होगा, हम एंड गेट यूज करेंगे दो, सेम वही जी प्रोसेस है, ठीक है? फॉर्मूला लिखोगे और सही। सामने आपको पता लग जाएगा कि कौन सा गेट यूज करना है हमने और किस तरह से इसकी ऑपरेशन करनी है, ठीक है? एसोसिएटिव के अलावा कौन से लॉज आप पढ़े हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव्स ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, सबने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी करना है साथ में, ठीक है? पूरा सर्किट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा ट्रिकी सा है, थोड़ा उसमें लॉजिक ज़्यादा है, वो कर लो, किसी से नहीं होता उसे मैं फिर समझाऊंगी ठीक से, ट्रुथ टेबल उसका सारा कुछ, बट मैं चाह रही हूँ आप लोग खुद करो, इम्प्लीमेंटेशन सीख लो इसकी पहले से, ये हम सर्किट्स किस तरह से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास और भी आ जाएगा और एंड भी आ जाएगा, उसमें मिक्स है दोनों, ठीक है? सही है ना? तो जी मैम। होमवर्क आपके पास होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाकी ये तो इजी है, एसोसिएटिव लॉ तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है इतना, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे अब कल चाहिए आपका, सब मुझे कल बना के अपना दिखाएं, ठीक है? किसी को समझ नहीं आएगा तो हम उसको ही क्लास में डिस्कस करेंगे, सही? बट करना सबने है, मैं जिसका नाम लूंगी, आपने अपने इसी होमवर्क की पिक्चर लेके बेशक आप दे दो मैसेज पे कहीं पर भी, मैं उसको चेक करूंगी, ठीक है ना? और या फिर किसी का नाम लेके मैं यहाँ बोर्ड पे भी करा सकती हूँ, क्लियर? तो करके आना है होमवर्क आपने, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे कल चाहिए आपका सबका, सही? जी मैम जी जी वो इस जी मैम मैम आप पास सर्किट कल डायग्राम कब कितने बजे होगा? कल कल किस कितने बजे फ्री हो, इसी टाइम पे 1 बजे ठीक नहीं है? जी मैम सही है। ठीक है 1 बजे, ठीक है सही है, क्योंकि मैं लैब इन्होंने सुबह में रखी है, मुझे पता है सब सुबह उठने वाले तो नहीं है इतनी जल्दी, तो 1 बजे ठीक है, सभी उठे होते हैं, तो कल मिलते हैं। मैम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबने करना है जी।
कल तो मैम फ्राइडे है पर हाँ कल लैब भी है ना, तो ये सर्किट डायग्राम्स मैं इसीलिए करा रही हूँ ताकि आप हाँ रात में आपने वर्कबेंच भी डाउनलोड करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच या फिर जिसको प्रोटीएस करना है वो प्रोटीएस पे करें, ठीक है। बस एक कल हम एक बजे इंडिकेटर्स को ऑपरेट